बाइबल की कहानियों का नाट्य रूपांतरण है। हमने पवित्र बाइबल के सच के करीब रहने की पूरी कोशिश की है। कुछ दृश्यों में हिंसा है, इसलिए दर्शक विवेक से काम लें। कायनात की शुरुआत में परम पिता ने जन्नत और पृथ्वी बनाई। उस वक्त पृथ्वी का कोई आकार नहीं था और यहाँ हर जगह घना अंधेरा था। तब परमेश्वर ने कहा, दुनिया को रोशन करो। और फिर दूसरे दिन परमेश्वर ने पानी को अलग किया तो समंदर और आसमान बने। उसके बाद तीसरे दिन परमात्मा ने धरती की रचना की और वहां पेड़, पौधे और फल भी बनाए। क्या हम कभी जमीन देख पाएंगे? हाँ, देखेंगे, हम जरूर देखेंगे। उसके अगले दिन उन्होंने आसमान में सूरज और छठे दिन अब जिसमें अपने परिवार और जानवरों की जान बचा सको, पर बाकी के सारे जीव मारे जाएंगे। सातवें दिन प्रभु ने आराम किया। जब बाढ़ के पानी ने पूरी दुनिया को निगल लिया, तब नोआ के वारिसों के लिए एक नई शुरुआत हुई। उन्हें इंसान और परमेश्वर के बीच अपने रिश्ते सुधारने का मौका मिला। ये है बाइबल। लॉट, मेरे साथ चल रहे हो ना तुम? वो हमें अजूबों से भरी एक जगह पर ले जाएंगे। नहीं, नहीं। कमाल है। इस विश्वास के साथ कि वो एक महान देश के पिता बनेंगे, अब्राहम अपने छोटे से कबीले के साथ उस जगह की ओर चल पड़े जो परमेश्वर ने उन्हें देने का वादा किया था। हट जाओ, दूर हटो, रुको। ऐसा कब तक चलेगा? हमें
पहले अब्राहम को बताना पड़ेगा कि हमने क्या सोचा है। क्या हो रहा है यहाँ? ये हमारे खलियानों पर कब्जा करना चाहते हैं। प्रभु ने हमें ये जगह सबके लिए दी है, तो उन्हें कहो ना कि हमें और जगह दे। बोलो ना। अब्राहम, यहाँ जगह बहुत कम है और हमारी संख्या ज्यादा है। प्रभु हमें वो भी देंगे, भरोसा रखो। उस प्रभु पर जिसे हम देख भी नहीं सकते। अब हम साथ साथ नहीं चल सकते। नहीं, हम अलग नहीं हो सकते। तो यहाँ रहकर भूखे मरे और अपने पतियों को घास के एक तिनके के लिए एक दूसरे की जान लेते दिखे। चाचा, हम जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन तुम कहाँ जाना चाहते हो? सोडम के पास वाले हरे भरे इलाके में। सोडम? मगर वो तो बड़ी खतरनाक जगह है। अपना ख्याल रखना। अपना कोई बच्चा नहीं होने की वजह से अब्राहम लॉट को बेटी की तरह मानते थे। अगर अपने परिवार को साथ नहीं रख सकता तो फिर दूसरे लोगों को कैसे रख पाऊंगा? इसकी मदद करो, ये भी लॉट का एक साथी है। यहाँ आओ जल्दी। क्या हुआ था? मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाया, वो बहुत बड़ी संख्या में थे। और लॉट? जिंदा है लेकिन कैद में है। आ जा, मुझे पकड़ लो। इसका इलाज करो। हमारे साथ कुछ प्रशिक्षित लोग हैं। इब्राहिम पर आप लोग सैनिक नहीं हैं। मैंने ही उसे प्रभु में आस्था रखने को कहा था, मैं ही लॉट को यहाँ लेकर आया था। पर वो हमें छोड़कर चला गया। वो चले गए अपनी मर्जी की जगह पर रहने। वो मेरे परिवार के हैं, हमें उनकी मदद करनी होगी। प्रभु हमारा ख्याल रखेंगे। बहुत सारे हैं। प्रभु रक्षा करेंगे। Thank you.
लॉर्ड, ओ लॉर्ड, मुट्ठी भर लोगों ने उतने लोगों का सामना किया है, प्रभु हमारे साथ है। जब तुम्हारा बेटा होगा तुम उसका नाम आइज़ैक रखना, उसका मतलब होता है हंसी। मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया, अब हमें जाना होगा। मैं आपको रास्ता बता सकता हूं? आप लोग कहां जा रहे हो? सोडम की किस्मत का फैसला करने। निकल जाओ यहां से। सोडम भ्रष्ट हो गया है, पाप की नगरी बन गया है। मेरा भतीजा लॉट वहीं रहता है, उसका परिवार भी है। सोडम के पाप का घड़ा भर चुका है, जो अपनी सीमा पार कर चुका है। तो आप लोग उसे खत्म कर देंगे, पूरे शहर को? लेकिन आप तो परमात्मा का रूप हैं, क्या आप बुरे लोगों के साथ अच्छे लोगों को भी खत्म कर देंगे? चलो अंदर चलो। बचाओ, बचाओ, हमें बचा लो, बचा लो। अगर सोडम में 50 लोग अच्छे हुए तो क्या उनका अंजाम भी बुरे लोगों जैसा होगा? हमारी मदद करो भाई। हम उनकी परीक्षा लेंगे, अगर मेरे फरिश्तों को सोडम में 50 अच्छे लोग मिल गए तो मैं पूरे शहर को बख्श दूंगा। हमें बचा लो, हमारी मदद करो। वो लोग इधर गए हैं, मदद करो। अगर कम हुए, अगर 30 या 20 हुए, तब भी आप उन्हें माफ कर देंगे ना? बचा लो, मदद करो हमारी, मदद करो मेरे साथ। अगर सोडम में 10 लोग अच्छे हुए तो आप उन्हें नहीं बचाएंगे? लॉर्ड, तुम क्या कर रहे हो? कौन है ये लोग? इन्हें मुझसे बचाना होगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगर मुझे 10 अच्छे लोग भी मिल गए तो मैं पूरे शहर को माफ कर दूंगा। इस तरह चलो, चलो जल्दी चलो, देर गए होंगे। दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो।
लोगों को बाहर निकालो, बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो। वो मेरे मेहमान हैं। चलो इसे ले चलो, जाओ यहाँ से, चलो हमारे साथ चलो। हट जाओ रास्ते से। हमें जाना होगा, चलो। इब्राहिम की वजह से प्रभु तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। रुक जाओ, पकड़ो, छोड़ो मत उसे। चलो यहां से। तुम महफूज हो, इस शहर से चले जाओ, इस शहर को सजा मिलने वाली है। इस पाप नगरी को पलट कर मत देखना, पीछे मुड़कर मत देखना। लॉट की बीवी ने परमात्मा की बात नहीं मानी और नमक का पतला बन गई। लॉट अपनी बेटियों के साथ पहाड़ पर चला गया और फिर कभी इब्राहिम से नहीं मिला। वादा कि आसमान में जितने तारे हैं उतने वारिस होंगे अब सच होने लगा था। But soon, famine forces the Israelites far from the promised land to Egypt. Here they are enslaved by the Pharaoh. Over the next 400 years, Abraham and God become a distant memory. All his people reduced to beasts of burden. Except one. Moses. Next time on the Bible.
You're not going to fight again. I can't refuse. He's Pharaoh's son. Fight me! I order you! You're not one of us. What's he talking about? You were born a slave. Your people are out there, Moses. The Israelites. Welcome to your new life, Moses! You are nothing now! I am the God of Abraham. I have seen the misery of my people. I am sending you to Pharaoh to bring them out of Egypt. Wait, please! Who are you? My name is Moses. Joshua. God has sent me to set you free. Why are you here, Moses? Let my people go. They're free to choose. Slavery or death. All my life, I have been Pharaoh's. I will never be a slave again. Joshua, God is with us. The angel of death is coming. Go and leave my land and take your wretched God with you. Egyptians, they're here.